नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन। और हमारी आज की रेसिपी है यखनी पुलाव। यखनी पुलाव बनाने के अज्जा: चिकन 1 किलो, प्याज 4 दरमियानी साइज, साबत गरम मसाले यानी काली इलायची 2 अदद, हरी इलायची 4 अदद, लौंगे 8 से 10 अदद, साबत काली मिर्चें 8 से 10 अदद, साबत जीरा 1/2 टीस्पून, तेज़पत्ता 1, दालचीनी की स्टिक्स 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, ऑयल हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, अदरक का टुकड़ा 1 इंच का, 2 टेबलस्पून साबित सौंफ, हरा धनिया 1/2 बंच, पुदीने के पत्ते 1/2 बंच, दही 3 से 4 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून साबित धनिया। यखनी बनाने का तरीका: सबसे पहले आप एक कुकिंग पैन में 1 किलो चिकन को शामिल करें और उसको इतना पकाएं कि उसका अपना पानी खुश्क हो जाए। फिर उसमें साबित गरम मसाले शामिल करें। एक मलमल के कपड़े में 2 टेबलस्पून साबित धनिया और 2 टेबलस्पून साबित सौंफ शामिल करके उसकी अच्छी सी लूज सी पोटली बना लें। याद रहे कि पोटली लूज होनी चाहिए, वरना जो मकसद हम सौंफ और धनिया से हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। और वो चिकन के साथ शामिल कर दें। साबत अदरक और लहसुन के जवों को थोड़ा सा कुचल के चिकन में शामिल कर दें और चिकन में 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल करें। पैन कवर करें और हल्की आंच करके चिकन को 50 मिनट से 1 घंटे तक पकने के लिए छोड़ दें। 50 मिनट से लेके 1 घंटे के बाद आप चिकन को चेक करें। फिर एक दूसरे पैन में 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल करें। 1/2 कप कुकिंग ऑयल जब हल्के से गर्म हो जाए तो उसमें 4 प्याज स्लाइस की हुई शामिल करें और उन्हें अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लें। जब प्याज अच्छी सी क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो जाए तो इसमें से आधी प्याज डिश आउट कर लें और आधी प्याज को पैन में ही रहने दें। फिर इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और अच्छे से फ्राई करें। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए तो हमने यखनी बनाते हुए जो चिकन बॉईल की है वो चिकन इस पैन में शामिल करें और अच्छे से फ्राई करें। और साथ ही उसमें 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और हस्बे जायका नमक शामिल करके चिकन को अच्छे से भून लें। जब मसाला अच्छे से भून जाए तो इसमें 3 से 4 टेबलस्पून दही शामिल करें और दही मसाले और चिकन को भी अच्छे से भून लें। जब दही मसाले और चिकन अच्छे से भुन जाए तो जो हमने चिकन की यखनी तैयार की थी वो यखनी छान के इस पैन में शामिल करें। जब यखनी नीम गर्म हो जाए तो आप इसमें चावल शामिल करें। याद रहे कि चावल शामिल करने के बाद यखनी चावलों से 1 इंच ऊपर होनी चाहिए। अगर यखनी पकने के बाद थोड़ी सी कम हो गई है तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद चावल और पानी का मिकदार ये होना चाहिए कि चावलों से 1 इंच ऊपर तक पानी होना चाहिए। जब पानी उबलने लगे और चावल फूलने लगे तो आप चिकन और चावलों को बहुत अच्छे से मिक्स करें और जो हमने आधी क्रिस्पी फ्राइड प्याज बचाई थी वो इन चावलों पे ऊपर से फैला दें। साथ ही 1/2 बंच धनिया चॉप किया हुआ और पुदीने के पत्ते चॉप्ड किए हुए ऊपर से फैला दें और पैन कवर कर दें और 10 से 12 मिनट के लिए चावलों को दम दे दें।
10 से 12 मिनट के बाद आपका मज़ेदार सा चिकन पुलाव तैयार है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।